नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल परीक्षा वाला में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम लोग रीजनिंग के पार्ट सेकंड को आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि पार्ट फर्स्ट को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, पार्ट फर्स्ट में हमने देखा है कि जो हमारी कोडिंग डिकोडिंग में जो हमारे लेटर्स होते हैं, लेटर्स के बारे में हम लोग स्टडी किए हैं कि लेटर्स हमारे कौन से प्लेस पे कितने नंबर पर आते हैं, ठीक है। और उनके रिवर्स के बारे में हम लोग देखे, रिवर्स भी हम लोग देख चुके हैं और उनके प्लेस के बारे में भी पढ़ चुके हैं। और उनमें से हम लोग थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा क्वेश्चन भी किए थे और आज हम लोग उसी उसी कॉन्सेप्ट पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे और नए नए कॉन्सेप्ट को भी इम्प्लीमेंट करेंगे, जिससे कि जो भी आप लोगों की एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे आज हम सभी को करवाने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और एंड तक देखिएगा, और अगर आप लोग वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आगे आने वाले सारे लेक्चर्स की भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है और आप लोग कंटिन्यूस अपनी तैयारी को बरकरार रखें, जिससे कि आप लोगों को एग्जाम में हेल्प मिलेगी, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं आज कुछ नए कॉन्सेप्ट के बारे में और उसके साथ साथ हम लोग क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि हमारा जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है उनके भी उनको भी हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से आज डिस्कस करेंगे और उनको भी साथ में लेके चलेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, इफ पेन इज इक्वल टू 16, 7 and 18, ये लिखा होगा, ठीक है। देन हमको पूछ रहा है कि बी ओ आर डी बोर्ड का क्या होगा कोडिंग, ठीक। यानी कि हमें कोड तो ये दिया हुआ है और इसको भी हम लोग को लिखना है, इसके भी कोड को भी बनाना है, यानी कि इसको हमें सॉल्व करना होगा। सबसे पहले हम लोग आपको कल यही एडवाइस किए थे, यही सलाह दिए थे कि आप लोग सबसे पहले इनके नंबर ऑफ प्लेस को लिख लें, जो भी हमारे लेटेस्ट कोडिंग होती है नंबर ऑफ प्लेस को लिख लें और उसके बाद इसको आसानी से सॉल्व करने में आप लोगों को मदद मिलेगी, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं उसी चीज को। यहाँ पे कह रहा है कि पेन, यानी कि एक चीज हमको ये ध्यान दे रहा है कि जो हमारा ये नंबर ऑफ प्लेस है इसका, यहाँ पर देखिएगा कि पी का कितना होता है, 16 होता है। अब 16 की बात अगर की जा रही है तो 16 में अगर 2 को ऐड कर रहे हैं, यानी कि ये कितना होता है, सॉरी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 16 होता है पी का और ई का कितना होता है 5 और 14 होता है हमारा एन का, ठीक। ये तो हमारा पता चल गया कि ये इनके नंबर ऑफ प्लेस है इस हमारे लेटर्स के। उसके बाद हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर मैच करना होगा कि हमको क्या फाइंड करना है और क्या हमारा कोड किया गया है। यहाँ पे कहता है कि पी को कोड किया गया किस 16 से, यानी कि हमें ये ध्यान देना होगा यहाँ पे 16 मिल रहा है लेकिन क्या अगले बार में ये मिल रहा है, तो मिल नहीं रहा है, तो हमारा ये प्लान क्या हो गया, फेल हो गया। यानी कि ये नंबर जो हमारे लेटर्स का नंबर यहाँ पर नहीं दिया हुआ, प्लेस नंबर नहीं दिया हुआ। लेकिन अब हम लोग को क्या करना होगा कि वो जब कैंसिल हो गया तो दूसरी तरफ हम लोग चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि पी की वैल्यू कितनी दी हुई है, नंबर ऑफ प्लेस कितना होता है 16, और 16 में अगर हम लोग 2 को ऐड कर दिया जाए, अगर हम लोग 16 में 2 को ऐड करें तो क्या 18 आएगा, आपको भी बिल्कुल सर आएगा। अब यहाँ पर देखिए 5 में अगर हम लोग 2 को ऐड करते हैं, 5 में भी अगर 2 को ऐड कर देते हैं तो कितना आएगा 7 आएगा, प्लस 2 अगर करें तो क्या यार इसी तरह से हम लोग 14 में अगर 2 को अगर ऐड किया जाए तो क्या हमारे पास यहाँ पर 16 मिलेगा, आपको भी बिल्कुल सही बात है सर, मिलेगा। तो यही चीज देखिए यहाँ पर कोड किया गया है कि जो हमारा 14 था उसको वैल्यू को यहाँ पर करके दिखा गया, यहाँ पर कितना हो गया 16। और यहाँ पर देखिए जो हमारा ई है, ई तो मिड में है, यानी कि 5 होता है, 5 में हम लोग 2 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, और उसी तरह से हम लोग को यन की बात की, पी की बात की गई, पी के बारे में देखा है पी कितना 16 है, 16 में अगर हम लोग 2 को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 18 मिलेगा। यानी कि हमें पता चल गया कि जो हमारा पहला लेटर है उसको लास्ट में लिखना है, जो हमारा पहला लेटर है उसको लास्ट में लिखना है और उसमें प्लस 2 करना है, ठीक है। और जो हमारा बीच में है उसको भी हम लोग को प्लस 2 करना है और बीच में लिख लेना, इसी प्रकार से टू सेम इसको भी हम लोगों को लिखना होगा, ठीक। आइए देखते हैं यहाँ पर हम लोग लास्ट पे लिख जाते हैं, यहाँ पर अगर हमारे पास बी कितना 2 होता है और वो कितना होता है हमारे पास 15 होता है, बी का कितना होता है 2, ये ओ का कितना होता है 15 और ए का कितना होता है 1, आर का होता है 18, डी का होता है 4। अब सेम टू सेम यही कॉन्सेप्ट हम लोग जो ऊपर लगाए उसी को यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि हमारे पास यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 2 जो है हमारा 2 में हम लोग क्या करेंगे, प्लस 2 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा हमारे पास 4 बनेगा,
यहाँ पर हम लोग लास्ट में क्या लिखेंगे, फोर को लिख लेंगे। ठीक, अब सेम टू सेम 15 में हम लोग क्या करेंगे, टू को ऐड करेंगे, 15 में टू ऐड करेंगे कितना जाएगा 17, उसको हम लोग लास्ट से लिखते हुए आएंगे। ठीक, फिर उसी तरह से 1 में 2 को ऐड करेंगे तो कितना जाएगा 3, और 18 में 2 को ऐड करेंगे तो कितना जाएगा हमारे पास 20। फिर उसके बाद अगर हम लोग डी की बात करते हैं, डी हमारे पास कितना 4, 4 में 2 ऐड करेंगे तो कितना जाएगा 6, यानी कि हमारे पास यही इसका क्या होगा आंसर होगा। यानी कि हमको ये देखना था कि पहला लेटर जो था हम लोग उसको लास्ट से उसके नंबर प्लेस में 2 को ऐड करके लिखते हुए आएंगे। ठीक है, यानी कि P हमारे पास 16 था तो 2 ऐड करके 18 लिखे, और E हमारे पास 5 था तो उसमें 2 ऐड करके 7 लिखे। उसी तरह से L हमारे पास 14 था, 14 में 2 ऐड करके लिखे तो कितना गया 16 आ गया। सेम उसी प्रकार से हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलना होगा। अगला हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है, चेयर की बात कर रहा है, चेयर के लिए कोड किया जा रहा है 24, 19, 26, 18 and 9। सी का वैल्यू कितना होता है, सी का जो नंबर ऑफ प्लेस क्या होता है 3 होता है, यानी कि यहाँ पर हमें 3 दिया नहीं है। अब इसको एक और भी क्रॉस करते हैं, क्या हमारे पास लास्ट में दिया है, नहीं दिया है, यानी कि 3 लास्ट में भी नहीं दिया, ये भी हमारा प्लान कैंसिल हो गया। यानी कि हमको इसको अब हमारे पास ध्यान देना होगा कि पहले प्लेस की बात है तो पहले प्लेस पे कोई लार्ज डिजिट की बात हो रही है, क्या लार्ज डिजिट आएगा। ठीक है, जब लार्ज डिजिट आएगा तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे ध्यान देना होगा कि हमारे पास दिमाग तुरंत लगाना होगा कि सी हमारे पास तो कितना है 3 होता है, लेकिन हमको देखना है कि इसका रिवर्स की बात किया जाए तो रिवर्स इसका क्या होता है, यस होता है, और यस का वैल्यू कितना होता है 24 होता है, और 24 ही यहाँ पे लिखा होगा। और अगर हम लोग इसका यस का रिवर्स की बात करते हैं तो यस के यस यस का जो रिवर्स होता है वहां पर क्या होता है, यस होता है, यानी कि यस भी हमारे पास क्या होता है 19 होता है। ए की बात करते हैं हम लोग तो ए हमारे पास क्या है, ये है, और यहाँ पर क्या होता है जेड होता है, जेड हमारे पास कितना होता है 26 होता है, यानी कि 24, 19, 26 मिल रहा है। अब आई की बात करते हैं तो आई आर कितना हमारे पास 18 है, यानी कि 18 भी हम लोगों ने लिख लिया, और आर यहाँ पर क्या होना चाहिए आई होना चाहिए, यहाँ पर कितना आ जाएगा 9, यानी कि नंबर ऑफ प्लेस जो हमारे लेटर्स उनके रिवर्स को लिखने उनके नंबर ऑफ प्लेस को लिख करके हम लोग क्या करें और वहां पे सब कुछ क्लियर किया गया, एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक डाउट को आप लोग पहली वीडियो को आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोग इस वीडियो पर आप लोग अगर आज ठीक है। अब देखिए कि सेम टू सेम इसके लिए भी हम लोग निकालना होगा, और इसी का हम लोग पूछा कि टी ए बी एल ए फॉर्मूला का क्या होगा। अगर आप देखिए कि टी का क्या होता है जी होता है रिवर्स, जी कितना होता है 7, और ए का क्या होता है जेड, ए कितना होता है 26, बी का क्या होता है वाई, ए कितना होता है 25, एल का क्या होता है ओ, और ये ओ कितना होता है 15, ए का क्या होता है जेड, और जेड कितना होता है 26, यही हमारे पास कोड है 7, 26, 25, 26, यही हमारे पास कोड होगा, और यही हमारा आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया। पहला हम लोग क्या बताए थे कि पहला कांसेप्ट क्या बताया ऐड करके हम लोग करें, दूसरे वाले कांसेप्ट हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन के माध्यम से कि दूसरे वाले हम लोग क्या करें कि रिवर्स का नंबर ऑफ प्लेस को लिख करके हम लोग कोड करें। अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है कि बॉय, यहाँ पर ये कह रहा है कि इफ बॉय इज इक्वल टू 6, और यहाँ पर अब हम लोगों को देख रहे हैं कि गर्ल इज इक्वल टू 24, ह्यूमन की वैल्यू को बताना है, ह्यूमन हमारा कितना इसका कोड किया जाएगा इसको कैसे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों को ध्यान देना होगा कि बी के कोई भी प्लेस को अगर देखा जाए कि बी का कितना होता है नंबर ऑफ प्लेस 2 होता है, ओ का कितना था 15, वाई का कितना होता है हमारे पास 25 होता है। अब अगर हम लोग इसके रिवर्स को भी देखा जाए तो भी रिवर्स करने के बाद भी इसका सम नहीं आएगा 2, नहीं आएगा 6, और इसके ऐड इसके मल्टीप्लीकेशन कोई भी 6 नहीं आने वाला। अब इस चीज को हम लोगों को ध्यान देना होगा कि जब ये चीजें नहीं आ रही है तो अब हम लोग को एक नया कांसेप्ट क्या होगा और नया कांसेप्ट हम लोग को देखना होगा। यहाँ पर कह रहा है कि ए बी हमारे पास है वाई है और जेड, क्या हमारे पास तीन तीन लेटर है, यानी कि नंबर ऑफ लेटर्स की संख्या कितनी हो गई 3।
अब उन लोगों को कभी कभी ऐसा भी मिलता है कि नंबर ऑफ लेटर्स को काउंट करके लिख दिया जाता है, या फिर नंबर ऑफ लेटर्स को लिख करके उसको डिवाइड करके तब भी लिख दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट नया यूज होने वाला है, वो आप लोगों को बताने जा रहा है। यानी कि तीन यहाँ पर आपको बता रहा है कि तीन लेटर्स, यानी कि जब तीन लेटर्स इसके बता रहा है, यानी कि 3 का फैक्टोरियल, यानी कि हम लोग इसको क्या कहते हैं, 3 का फैक्टोरियल कहते हैं। यानी कि जब इस चीज को 3 का फैक्टोरियल कहते हैं तो हमें यहाँ से मिलकर क्या आता है कि जब 3 को फैक्टोरियल को एक्सपेंड किया जाता है तो क्या मिलता है, आप हमारे 3 × 2 × 1 मिलता है। यानी कि जहां पर जिस नंबर का फैक्टोरियल कराया जाता है उस नंबर के साथ साथ उससे नीचे जितने भी नंबर होंगे उन सबका क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, यही क्या कहलाता है, फैक्टोरियल कहलाता है। यानी कि 3 के फैक्टोरियल की बात करें, यानी कि 3 × 2 × 1, यानी कि 3 × 2 × 1 की बात हम लोग करेंगे जब, कितना हमारे पास 6 है, क्या हमारे पास 6 यहाँ पर आया है, आपको अभी बिल्कुल सर आया। तो अब यहाँ पर उसी तरह से हम लोग देखते हैं कि गर्भ में कितने मॉडल, 1, 2, 3, 4 कितने हैं, 4। इसी काम को लिखेंगे 4 का फैक्टोरियल, यानी कि 4 × 3 × 2 × 1, यानी कि ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 × 3 = 24, हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है आपको अभी बिल्कुल यहाँ पर तो दिया है सर। तो हम कहेंगे कि जब इस प्रकार से हम लोग इन दोनों को सॉल्व कर लिए, इन दोनों के लिए कंडीशंस में दिखाई हुई, उसी प्रकार से हम लोग ह्यूमन के लिए भी देखेंगे और ह्यूमन के लिए भी वही चीजें अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन में कितने लेटर्स है, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 5 लेटर है, यानी कि 5 का फैक्टोरियल हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जा 20, 20 × 3 = 60, 60 × 3 = 120, 120 × 1 यहाँ पर कितना जाएगा हमारे पास, 120 जब आ गया तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या होगा, 120 होगा, और यही हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा इसको, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, देख रहे हैं आप लोग कि छोटे छोटे क्वेश्चन के माध्यम से हम कैसे आप लोगों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चल रहे हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं होता है, आगे चल करके यही क्वेश्चन अभी इसी को वर्ड में लिख देगा तो मालूम पड़ेगा कितना बड़ा क्वेश्चन आ गया है। फिर दूसरे देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं, उसमें बोलेगा कि इफ बॉय इज इक्वल टू 6 गर्ल इज इक्वल टू 24 देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, यानी कि ये बोलेगा कि बॉय को हम लोग कोट कर रहे 6 से और गर्ल को कोट कर रहे 24 से, तो ह्यूमन को कोट करके बताए, यही आपके जब हम लोग सेंटेंस में लिखेंगे तो यही क्वेश्चन करेंगे और हम उसी चीज को शॉर्ट में लिख करके आप लोगों को कॉन्सेप्ट को सिखा रहे, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गया होगा और ये तीन कॉन्सेप्ट आप लोगों के समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं चौथे कॉन्सेप्ट की तरफ। चौथे कॉन्सेप्ट ये क्वेश्चन हमें कह रहा है बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर आप लोग इस चीज को देखेंगे तो आप लोग कहेंगे कि सर कितने अच्छे से आप बता दे रहे हैं, ठीक है। आइए आप लोग पहले इसको ध्यान से देखें कि ई का मान हमारे पास कितना होता है, का नंबर ऑफ प्लेस कितना होता है, 5 होता है, ये तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर एक ही लेटर है इसलिए हम लोग ट्रैक लिख ले रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आर ई ए डी रीड के जगह पर कितने हैं, 1, 2, 3, 4 समझ जाता है कि चलो ठीक है कि 4 आ जाएगा भैया, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि 4 तो आ ही रहा है लेकिन कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो हमको ये चीज ध्यान देना होगा कि ये जो हमारा कॉन्सेप्ट ये तो क्या हो गया, यानी कि गलत हो गया। अब हम लोग आगे की तरफ देखते हैं, उसी चीज को हम लोग दूसरी भाषा में देखने का प्रयास करते हैं कि अगर हमारे पास 5 ई जो हमारा ई का नंबर ऑफ प्लेस कितना है, 5 है, अगर हमारे पास 5 है तो लेटर हमारे पास कितना है, 1 है, जब 1 लेटर हमारे पास है तो 1 से हम क्या करते हैं डिवाइड करेंगे, यानी कि कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आपको ये सर कैसे आप लगा रहे हैं, ऐसे ही लगाना होगा आप लोगों को, अगर 1 लेटर दिया हुआ है तो उसको हम लोग कितने उसके नंबर ऑफ लेटर्स को क्या करते हैं डिवाइड करेंगे, उतना ही हमारा निकल जाएगा, यानी कि ई का नंबर ऑफ प्लेस कितना, 5, 5 को अगर हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। सेम उसी तरह से हम रीड की केस, रीड के केस में हम लोग देखते हैं रीड के केस में हमारे पास कितना, रीड का कितना था नंबर ऑफ 18 होता है और ई का कितना होता है 5 होता है, ई का कितना होता है 1 होता है और डी का कितना होता है 4 होता है। इन सबको ऐड कर लेंगे हम लोग, इन सबको ऐड करके नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, यानी कि 4 है, 4 से हम लोग क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, क्या यहाँ से हमें ये वैल्यू मिल जाएगी, 5, 5, 5, 10, 10, 10 और यहाँ पर कितना है 10 और 18 कितना जाएगा 28, 28 को हम लोग 4 से काटेंगे तो 4 से 28 कट जाए, क्या हमारे पास 7 आ रहा, यानी कि यहाँ पर भी वही चीज वेरीफाई हो गई, दोनों जगह जब ये वेरीफाई हो गया
तो हम लोग तीसरे में वही चीज क्या कर देंगे, लगा देंगे और यही हमारा क्या निकाल देगा, आंसर। ठीक है, चलिए हम देखते हैं एफ का नंबर ऑफ प्लेस कितना होता है, 6 होता है इसका, ओ का कितना होता है 15 होता है, एफ का कितना होता है 24 होता है, और नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 1 2 3, यानी कि 3 से क्या कर देंगे हम लोग डिवाइड कर देंगे, यानी कि 24 36 30 प्लस 40 5 45 बटे 3 45 बटे 3, और इसको हम लोग काटेंगे 3 15 बार में ये कट जाएगा 45, क्या हमारा 15 इसका आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 15। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 15। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा, अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करना ना भूलें, कमेंट करें जिससे कि हम हमें पता चलेगा कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं समझ में आया। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं कि हम लोग चार कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझ चुके हैं और पांचवें कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। पांचवा कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत ही ध्यान से आप समझिएगा, और ये भी इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, और ये बहुत ही आसान होता है और दिमाग लगाना वहां पे टफ हो जाता है, जब उसको आप लोग यहाँ पर आप लोग सीख करके प्रैक्टिस करेंगे तभी वहां पर आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए हम आप लोगों को बता देते हैं इस नए कॉन्सेप्ट के बारे में, नया कॉन्सेप्ट क्या है, क्या बिल्डअप होता है, आइए आप लोग देखिए इस वीडियो को ध्यान से देखें। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर कह रहे हैं कि लॉ या लॉ इज इक्वल टू कितना, हमको कोड करके बताएंगे और उसके बाद पूछेंगे कि नर्स का कोड क्या होगा। ठीक है, जब इस टाइप की चीजें बन करके आ रही है तो आइए हम लोग उसको और भी देखते हैं, और यहाँ पर यह कितना हमारे पास है। अब यहाँ पर एक चीज हमको देखिएगा कि 12 हमारे पास आ रहा है तो क्या यहाँ पर कुछ भी मैच कर रहा है, अब बोलो भी सर बिल्कुल नहीं मैच कर रहा है, हम भी कहेंगे कि बेटा ये जब मैच नहीं कर रहा तो क्या हम लोग उसको लगाना कट कर सकते हैं, यानी उसको हम लोग नहीं लगा सकते, तो हम लोग क्या लगाएंगे उसको हम लोग देखते हैं, यानी कि यंग का हम लोग रिवर्स की बात करते हैं, यंग का रिवर्स कितना होता है हमारे पास, वो होता है क्या, और वो का हमारे पास नंबर कितना होता है, नंबर ऑफ प्लेस क्या होता है 15 होता है, आप बोलोगे बिल्कुल सर, और अभी कहेंगे कि जब 15 होता है तो 15 को हम लोग क्या करेंगे 1 + 5 कर ले, यानी कि नंबर ऑफ डिजिट का सम क्या निकाल ले, नंबर ऑफ डिजिट का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा, क्या नंबर ऑफ डिजिट का सम कितना आएगा 6 आएगा, आप बोलोगे बिल्कुल सर, हम कहेंगे कि जब 6 आ रहा है तो उसी को यहाँ पर क्या कर दिया जा रहा है, कोड कर दिया जा रहा है, समझ में आया कि नहीं। अब उसके बाद देखा गया कि हमारे पास ए है और ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जेड लिख सकते हैं, जेड होता कितना 26 होता है, और 26 के नंबर ऑफ जो हमारे डिजिट है उनको हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 8 आ जाएगा, क्या हम लोग इसमें 8 लिख सकते हैं, 6 + 2 को क्या हम लोग ऐड कर सकते हैं, और उसी तरह से सेम टू सेम इसको आगे लिख लीजिए देखो थोड़ी कंफ्यूजन हुआ, 2 + 6 इसको कितना आएगा हमारे पास 8 आ जाएगा। सेम उसी तरह से डब्ल्यू की बात करते हैं तो डी डी हमारा क्या हो जाएगा इसका रिवर्स हो जाएगा, डी होता कितना 4 होता है, क्या डी हमारे पास 4 यहाँ पर है। अब यहाँ पर हम लोग इसकी वाई की बात करते हैं, वाई हमारे पास कितना होता है 2 होता है, क्या हमारे पास 2 यहाँ पर दिया हुआ है, इसको ऐड करने की कोई जरूरत इसलिए नहीं पड़ रही क्योंकि ये क्या है ऑलरेडी सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट में जब है तो वही पहले उनको क्या कर देना है पुट कर देना है, और अगर डबल डिजिट होता है या ट्रिपल डिजिट होता है उनको हम लोग क्या करते हैं ऐड करते हैं, ऐड करके उसके बाद लिखते हैं। तो सेम उसी तरह से हम लोग ई की बात करते हैं कि ई का रिवर्स कितना होता है बी होता है, बी यहाँ पर सॉरी वाई वाई का रिवर्स क्या होता है बी, और बी को कोड किया गया 2 से। यहाँ पर अगर हम लोग बी की बात कर लिए तो ई का क्या होता है बी, और ए की बात 22 होता है। ठीक है, 22 को हम लोग डिजिट करेंगे 2 + 2 अगर करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, क्या हम लोग 4 यहाँ पर लिखे हैं, आपको अभी हंसता नहीं तो लिखा गया है। अब यहाँ पर देखिए कि आई आई का रिवर्स क्या होता है आर होता है, यानी कि आई क्या नाइन हो गया, यानी कि आप लोगों को आसानी से पता चल गया कि इस हिसाब से हम लोग आप लोगों को समझा चुका कि ये चीजें कोड होंगी। उसी तरह से हम लोग इसकी बात करते हैं कि यन की बात करते हैं, यन का रिवर्स कितना होता है यन, यन आपका कितना होता है 13 में 1 + 3 करेंगे इनके डिजिट का सम कितना आएगा 4, क्या हम लोग यहाँ पर 4 लिख लेंगे, क्या हम लोग यहाँ पर 4 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या हम लोग लिखे 4 पहले का पता चल गया। अब हमारे पास U की बात की जा रही है तो U का रिवर्स क्या होता है F होता है, और F हमारे पास कितना था 6, इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। R की बात की जा रही है तो R हमारा होता कितना है R का R का I होता है, ठीक है I होता है तो I का नंबर ऑफ प्लेस कितना होता है 9, तो यहाँ हम लोग 9 लिख लेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि S की बात की जा रही है तो S हमारे पास क्या होता है H होता है, इसका रिवर्स H हमारे पास होता है कितना 8, यानी कि 8 हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे।
टी की वैल्यू की था, हम लोग रिवर्स की बात करते हैं तो बी होता और बी हमारे पास कितना तो 22 होता, 2 प्लस 2 हम लोग कर देंगे कितना जाएगा 4, यानी कि आप हम क्या लिखेंगे 4, यही हमारे पास क्या होगा इस क्वेश्चन का रहेगा आंसर। क्या आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया? आज हम आप लोगों को 5 कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इससे नए कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे, ठीक है। आइए हम लोग इस कॉन्सेप्ट यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो यूज होगा उस कॉन्सेप्ट को हम लोग आप लोगों को बताते हैं। कोचिंग का पूछा कि कोचिंग का क्या होगा, यानी कि फुटबॉल की हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर देखिए ना ही रिवर्स लिखा है, यफ का क्या होता है यू होता है, यानी कि रिवर्स लिखा है, क्या इसको हम लोग लास्ट में लिखे ले जा करके नहीं लिखे, यानी कि जब ये सारी चीजें अप्लाई करेंगे तो नए कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पर जनरेट होगा, यानी कि नया कॉन्सेप्ट क्या होगा कि हम लोग यहाँ से दो लेटर का पेयर बनाएंगे, ठीक है, दो लेटर को पेयर बनाएंगे तो दो लेटर के पेयर बना करके जो हमारा लास्ट वाला लेटर होगा दो में से उसको पहले लिखेंगे, पहले वाले को लास्ट में लिखेंगे। क्या यहाँ पर देखिए कि इसके लास्ट और पहले की बात करें कि क्या लास्ट में हमारे क्या ओ है तो ओ को हम लोग पहले ले लिए, हमारे कहा लेंगे लास्ट में, क्या ओ यफ लिखा हुआ है यहाँ पे, बिल्कुल लिखा हुआ। क्या यहाँ पर देखिए अगर टी इन दोनों इस वाले पेयर में टी को हम लोग पहले लिखेंगे ओ को लास्ट में लेके चले गए, इसी तरह से इस वाले पेयर में देखेंगे ए और बी और इसी तरह से इस वाले में देखेंगे दोनों में एल, क्या हमारे पास ये भी लिखा हुआ है तो आप लोग इसको आसानी से कोड कर दीजिए। यहाँ पर देखिएगा इसका हम लोग रिवर्स अगर करें ऐसे ऐसे लिखें तो यहाँ पर क्या जाएगा ओ हो जाएगा और सी, और यहाँ पर देखिए इसका यहाँ पर सी चला जाएगा सी, और यहाँ पर क्या जाएगा ए, यहाँ पर इसमें भी देखिए इसका आई यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर क्या जाएगा यहाँ पर तो आई आ गया और यहाँ पे क्या जाएगा एच, यहाँ पर जी लिख देंगे यहाँ पर एच, यानी कि ओ सी सी ए आई एच, ये तो हमारे पास यही आंसर है। आई होप कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया। उसी तरह से इसके बारे में हम लोग देखते हैं जयपुर के बारे में हम लोग देखते हैं, यानी कि जयपुर को इस तरह से कोड किया गया है, क्या हमारे पास इसका रिवर्स दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा, क्या यानी कि जे हमारा 10 है, 10 को क्या हम लोग इसको कोई भी नंबर इसके नंबर प्लेस को रख करके एक्सम करें, क्या उसको देखते हैं क्या मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर नए कॉन्सेप्ट फिर भाई यहाँ पर जनरेट होगा, यहाँ पर लोगों को क्या करना होगा कि हमारा सबसे पहले कौन सा लेटर आता है ए आता है, उसके बाद क्या आता है इसमें हम लोग देखेंगे कि जो हमारा इस क्वेश्चन में हमारा यूज होने वाला है इन लेटर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिट करना है, क्या करना है लेटर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिट करना है, ज्यादा समय खराब नहीं करते हुए हम लोग कॉन्सेप्ट डायरेक्ट होता है क्या क्या कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, यानी कि ये हमारे पास कितना होता है जी हमारे पास क्या होता है ए 1 होता है आई 9 होता है पी हमारे पास 16 यू 21 या 18 कितना होता है आर होता है, यानी कि सबसे पहले हमारा लेटर कौन सा आता है ए आता है, बिल्कुल आप लोगों को मिल रहा है ए, उसके बाद कौन सा आएगा इससे हम लोग इंक्रीज करेंगे फिर इसमें बढ़ने के बाद क्या मिलेगा 9 मिलेगा, क्या हमारे पास आई लिखा हुआ है फिर उसके बाद क्या 10 मिलेगा बिल्कुल मिल रहा है, यहाँ पर जे लिखा हुआ क्या पी यानी कि यहाँ पर पी मिल रहा है यहाँ 16 के बाद 18 आएगा हमारे पास आर मिल रहा है, इसी तरह से आर के बाद हमारे पास जो भी यहाँ पर नंबर दिया हुआ उसमें क्या मिलेगा यू मिलेगा, सेम उसी तरह से पी में हम लोग देखते हैं पुणे में हम लोग पुणे में देखते हैं पुणे में क्या अपना 16 होता है 21 होता है और ये 14 होता है ये 5 होता है, क्या हम लोग 5 को यहाँ पर ले लें यानी कि हमारे पास आ गया, फिर उसके बाद हमारे पास क्या याद आ रहा है यानी यहाँ पर 14 उसके बाद 16 आएगा 16 यानी कि पी यहाँ पर 51 आ जाएगा, क्या इसी तरह से इसको भी हम लोग कोड कर पाएंगे। आइए देखते हैं जी हमारे पास कितना होता है 7 होता है, वो हमारे पास 15 होता है, 1 कितना होता है 1 है, क्या हमारे पास 1 यहाँ पर आएगा ये हम लोग लिख लेंगे, फिर उसके बाद 7 आएगा फिर उसके बाद 7 के बाद 7 को हम लोग जी लिखेंगे फिर 15 आएगा यानी कि वो लिख देंगे, यही हमारे पास क्या जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आइए फिर ये भी कॉन्सेप्ट आप लोगों के समझ में आ गया होगा और ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के समझ में आ गया, तो आइए हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। ये कह रहे हैं कि लव इज इक्वल टू सी ई के ई, यानी कि इस क्वेश्चन को देखिएगा इसमें क्या फॉलो होगा, क्या हमारे पास इसके रिवर्स लिखे हुए हैं लिखे हुए, क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग कुछ ऐड करके पाएंगे, देखिए हमारे पास कितना 12 होता है 12 को ऐड करेंगे तो कुछ मिला है नहीं, क्या 12 को ऐड करके क्या रिवर्स में कुछ मिला है बिल्कुल नहीं मिला, तब हम लोगों को क्या करना होगा कि जो हमारे लेटर्स हैं उनको हम लोग राइट साइड से काउंट करेंगे 1 2 3 4 यानी कि 10 कितना होता है 4 नंबर तक जा रहा है, यानी कि हमारे पास एल कितना होता है 12 होता है, ओ का कितना होता है 15 होता है, बी का 22 होता है और ई का कितना होता है हमारे पास
होता है, यानी कि 5 कौन से नंबर पे है, राइट हैंड साइड से पहले नंबर पे, यानी कि 1 से डिवाइड करेंगे इसको, क्या हमारे पास 5 को 1 से डिवाइड करेंगे क्या, यानी कि जब 5 आएगा तो हमारे पास क्या लिखा जाएगा, टी लिखा जाएगा। उसी तरह से हम लोग इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हमारे पास 11 आ जाएगा, क्या 11 किसका होता है, के का होता है, तो क्या हमारे पास के यहाँ पर आ गया, बिल्कुल आ गया। उसी तरह से हम लोग इस पर 3 से डिवाइड करते हैं, क्या इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्या 5 हमारे पास लेटर क्या होता है, ई होता है, 5 नंबर पर नंबर प्लेस पर ई मिलता है, ठीक है। उसी तरह से हम लोग यल की बात करते हैं, ये चौथे नंबर पर छाती आई बात, क्या हमारे पास 3 आ जाएगा, जब हमारे पास 3 यहाँ पर आएगा तो क्या हमें 3 यहाँ पर किसका है, होता है, यानी कि सी हम लोग आसानी से लिख रहे हैं, यानी कि क्या हमारे पास यही कोडिंग का या फिर कांसेप्ट निकल कर क्या कि हम लोग राइट हैंड साइड से उसकी नंबरिंग करते हैं, जो उसके नंबर प्लेस होते हैं उसको हम लोग डिवाइड करते हैं, जितना हमारे पास कोफिशिएंट आता है, जितनी बार में कटता है उस वाले नंबर को, उस वाले नंबर प्लेस पे जो हमारा लेटर होता है उसी को हम लोग लिखते हैं। क्या आप ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास यहाँ पर टी का कितना था 20 होता है, ओ का कितना था 15 होता है, आर का 18 होता है, यहाँ पर 14 होता है, कितना यार का ये हमारे पहले नंबर पर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यानी कि 14 आया, क्या इसको लास्ट में हम लोग लिख ले 14 लेटर का हमारे क्या है यंग आता है, उसके बाद हम लोग इसको दूसरे नंबर पर ये आ रहा है तो 2 से इसको काटेंगे तो 9 आएगा, और 9 पर आता क्या है, 9 नंबर पर कौन सा आता है, आई आता है, यहाँ पर ये यंग आता है, 9 नंबर पर क्या आता है, यंग आई आता है, यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे आई, फिर क्या होता है हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 3 5 15, यानी कि कितना आ जाएगा 5 5 नंबर पर आता क्या है ई आता है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे ई लिखेंगे। उसी प्रकार से इसको हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 5 आता है, 5वें नंबर पर आता कौन सा लेटर ई आता है, और हम लोग यहाँ पर भी क्या लिख देंगे ई लिख देंगे, यही हमारे पास क्या आ जाएगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, तो आप लोग एक कॉन्सेप्ट सीख करके जाइएगा, और जो भी आप लोगों के पास प्रैक्टिस सेट हो आप उस प्रैक्टिस सेट से जितने कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखे हैं सारे कॉन्सेप्ट को अप्लाई कीजिएगा और सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया हो तो आप लोग इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, दोबारा देखेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट को आप लोगों को यहाँ पे क्लियर करने के लिए जो भी डाउट आपके बनेंगे सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिया। और अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो अपने वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और प्रेस बटन को दबा दीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली सारी वीडियो आप लोगों को आसानी से आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाए और आप अपने प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकें, जिससे कि आप लोग सारे एग्जामिनेशन में